जैसे हमसे शुरू से एक्सपेक्ट किया जाता है कि खाना हम बनाना सीखेंगे, घर संभालेंगे, घर का ध्यान रखेंगे, सब काम करेंगे। बचपन से हमें ट्रेन कर दिया जाता है और इन लोगों को नहीं किया जाता है, तो ये बात गलत है ना। अगर हमें घर में ये क्वालिटी नहीं मिल रही है तो हम जब बाहर की दुनिया को फेस करेंगे तो वहाँ हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा। इट हैज़ टू स्टार्ट एट होम। हम कपड़े पहने उसमें हमें टोका जाता है, हम बाहर कहीं जाएं उसमें हमें टोका जाता है। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जब उनका मन करेगा, जिससे मन करेगा उससे शादी कर देंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये लोग भी इतनी सी बात समझने को रेडी नहीं है। ये लोग तो हमारी एज के हैं ना, इन्हें तो समझना चाहिए। चौड़े कंधे, ऊंचा सर, ताव में मूछें, और जब कोई हमसे पूछे कैसे हो, ठीक हो, उदास लगते हो, तो बस हंस के टाल देते हैं। अरे हम मर्द हैं, ऐसे सवालों को मजाक में उछाल देते। पर दर्द तो हमें भी होता है, दुखी हो तो मर्द भी रोता है। हाँ, हमारे लिए कहना जरा मुश्किल होता है। बचपन में सीखा है ना, मैन अप, मर्द बन, लड़का होके रोता है। दुख दर्द बांटने का हमारे पास वक्त नहीं, और जो ऐसा कर ले वो लौंडा सख्त नहीं। तो बस मान लिया, अब कुछ नहीं बोलेंगे। परेशानी हुई, दर्द हुआ तो सह लेंगे। पर बचपन में चोट लगने पर तो रोए थे हम भी, अपना फेवरेट खिलौना टूटने पर माँ के आंचल में सोए थे हम। तो आज क्यों आंसू छुपा लिए, कहाँ सारे जज्बात दबा लिए? ये माचो और स्टट के टाइटल लेके कब तक इतराएंगे? अपने को भी दुख होता है, किसी ना किसी को तो बताएंगे। मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, ये किसी को जेंडर देख के नहीं होता। दुनिया में कोई बेवजह नहीं रोता। अब अगर आंसू आए तो बहा देंगे, अब अगर दर्द हुआ तो कह देंगे। चौड़े कंधे, ऊंचा सर, ताव में मूछे, अब जब कोई हमसे पूछे कैसे हो, ठीक हो, उदास लगते हो, तो मुस्कुरा के, यू वोंट जस्ट शट अप फॉर वंस, लेट्स डिसाइड टू नॉट मैटर।